वैसे तो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, लेकिन भोपाल को भी सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल निशांत त्रिवेदी व्लॉग्स। एंड इस जो मॉर्निंग है उसकी कुछ ब्यूटीफुल शुरुआत हो ये है एट 8:30 बजे। प्लान तो वैसे जल्दी उठकर जाने का था, लेकिन आपको पता है जब आप ट्रैवल करते हो तो प्लान जो है वो नेसेसरी नहीं बनते हैं। अभी मॉर्निंग के अंदर अभी हमने प्लान किया हुआ है पंचमढ़ी जाने का भोपाल से। सो भोपाल की सिटी की कुछ जाके आपको दिखाएंगे। नारियल पानी पीने का मन है तो नारियल पानी पियेंगे और फिर पंचमढ़ी के लिए निकल पड़ेंगे। अभी वैसे हमारा जो स्टे है वो हाईवे के नज़दीक है तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए पंचमढ़ी मतलब भोपाल से बाहर निकलने में। वैसे और बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम जो रुके थे वो यहाँ पे रुके थे होटल विजय पैलेस। ये कुछ एरिया कॉलोनी में आया था। आप जो नंबर है वो नोट डाउन कर सकते। ठीक ठाक था स्टे, नॉट डैट बैड। और नो नंबर झील, तो ये अभी हम 5 नंबर झील पे है। और इसका जो लुक है वो देखो आप, मतलब लाइक कितना प्यारा लग रहा है यार। वाओ, सो अमेजिंग। दैट्स वाई भोपाल कॉल एज सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लेक्स हैं। सिटी ऑफ लेक्स भोपाल के अंदर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ पे बड़ा लेक और बड़े लेक के यहाँ पे बहुत ही राजा भोज जो है वो विराजमान है। मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपको व्यू जो दिख रहा है और वो और मौसम जो है अमेजिंग है यार। मतलब यहाँ पे थोड़ा टाइम गुजारने का मन कर दिया है, लेकिन बहुत मस्त है, बहुत मस्त लग रहा है। आपको व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त वाला। तो ये जो राजा भोज है उनके बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो बड़ा लेक है वो है, और ये राजा भोज की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे लगाई हुई है। अभी हमने नारियल पानी पिया और अभी ये मलाई खाई है मॉर्निंग में, और ये हम भोपाल में हैं। बहुत मस्त वाला जो वेदर है वो है, गर्मी थोड़ी है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं शिवम रेस्टोरेंट एंड यहाँ पे क्योंकि अभी वीकेंड लॉकडाउन है तो बहुत सब रेस्टोरेंट बंद थी। यहाँ पे आप देख सकते हो सब बंद है। और अभी हम भोपाल के आउटर एरिया में आ गए हैं। ये जो है कैलाश गार्डन करके है, बहुत अच्छा बिल्डिंग दिख रहा है यहाँ पे। अभी हम नाश्ता करें और फिर बात करते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सांची, और सांची का जो ये यहाँ इस साइड आएगा, सांची 5 किलोमीटर दूर है। और
और हम रुके हैं यहाँ पे मैथिली रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। थोड़ा खाना बना खाते, नाश्ता वास्ता करते और फिर हम आपसे मिलते हैं। चलो, तो ये है मूंग वड़ा, टेस्ट करके देखते हैं। अमेजिंग। आओ, तो अभी हम यहाँ पे सांची पहुँच चुके हैं। सांची में ये जो शांति स्तूपा जो है वो एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। तो अक्सर हम मंदिर और हर एक जगह पे जाते रहते हैं, लेकिन ये जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं। और उसका पूरा जो टूर है वो हम आपको दिखाएंगे, और कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स जो है वो भी हम अभी लेने वाले हैं। बट अभी मेरे सामने ही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मैं आपको व्यू नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पास में जाके आपको दर्शन जो है वो करवाएंगे। ये है शांति स्तूपा की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आप पूरा अच्छी तरीके से देख सकते हो इसको, शांति स्तूपा की साइट को। और जो व्यू है वो कमाल का व्यू है, कमाल का। हम आ गए हैं सांची। ये जो सांची सुबह है उसका स्टोरी में ये है कि जो अशोका था वो यहाँ पे राज करता था, मौर्य समाज का जो है वो पूरा राज वो यहाँ पे करता था, पूरा मध्य वो विदिशा का नाम जो है वो उस टाइम का नाम था, वो यहाँ पे राज करता था। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जो साउथ के साथ उनका लड़ाई हुआ, और वो लड़ाई जब हुआ तो उस वॉर के अंदर बहुत सारा ब्लड शेड हुआ, बहुत सारा बिगेस्ट और बैटल था, और ब्लडीएस्ट बैटल था। तो इसके अंदर फिर क्या हुआ कि ये जो अशोक का भगवान थे वो जीत, मतलब भगवान ही राजा था, वो जीत गया। और जीतने के बाद फिर उसको लगा कि यार मैंने इतना, मतलब इतना ब्लड शेड हो गया, राइट। तो वो फिर उसने नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए जो भगवान बुद्ध का जो था वो मॉन्यूमेंट बनाया, और वो मॉन्यूमेंट स्तूपा के नाम से, और ये बहुत हजारों के तादाद में उसने बनाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बाद भी एक मुगल सम्राट आया, उसने पूरा वो तोड़म तो पूरा तोड़ दिया। उसके अंदर अभी यही एक स्तूपा है जो शांति स्तूपा है, जो अभी ऐसा है और ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे पहला जो स्तूपा बनाया था वो ये वाला बनाया था। तो इसीलिए इसको ये स्तूपा नंबर 1 भी बोलते हैं इसको, और शांति स्तूपा भी बोलते हैं। बहुत ही मजा आ रहा है। तो ये सांची स्तूपा का जो स्तूपा है उसके ऊपर है हम, और ये पूरा स्तूपा आप देख सकते हो, शायद अंदर जा सकते। और ये जो है गेट, आपने वो गेट तो देखा ही होगा, ये सांची स्तूपा का गेट है, और यहाँ वहाँ से एंट्री जो है वो होती है। और आप ये सतपुरा की जो पहाड़ियाँ है वो आप देख सकते हो। तो जो गर्मी है ना, गर्मी का मतलब लाइक मैं आपको बताऊँ ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी मतलब ख़तरनाक वाली गर्मी है कि ना पूछो बात, क्योंकि सीधा जो हीट है वो ऊपर से आ रही है। अभी दोपहर के 2 बजे है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू विजिट, क्योंकि
गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, थोड़े बादल आ जाते तो भी चल जाता, तो लेकिन अभी क्या करें, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो आई होप आपको सांची स्तूपा की जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी और आपको सांची स्तूपा के बारे में पता चला होगा। द बेस्ट टाइम इज़ ऑब्वियसली ऑन मानसून साइड, मानसून या तो विंटर में आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको घूमने का मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, बट समर में बहुत गर्मी लगेगी आपको। बस अभी हम वापस जाने के लिए निकलेंगे। पंचमढ़ी में एंटर हो चुके हैं और बस ये पंचमढ़ी नाका है। फाइनली पंचकनी में जो होटल रूम है वो मिला है और रात के बजे है 9:30 और इतना हालत टाइट हो गया है गाइस, मैं आपको नहीं बता, बहुत टायर्ड है, बहुत थकान है, पूरा पंचमढ़ी जो पूरा है, पूरा का पूरा पंचमढ़ी फूल है गाइस। आप जब भी आओ यहाँ पे अर्ली बुकिंग ज़रूर से कराओ अगर आप वीकेंड पे आते हो, वीकडेज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीकेंड में अगर आप आते हो तो आपको अर्ली डेज का जो चेकिंग है वो करना चाहिए, क्योंकि यार हमें बहुत दिक्कत हो गई होटल ढूंढने में। फाइनली एक मिली है, लेकिन उसके अंदर भी कैसा है कि एक ही रूम मिला है, तो अभी तो जो भी मिला है वो ठीक है, लेकिन लेट्स जस्ट गो और अभी सोते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत थक गए, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में।